हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं टैंडम बॉक्स कैसे लगाए जाते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर है, वीडियो को पूरा देखें एंड तक। स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे यूनिटेक कैसे लगाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये यूनिटेक जो है हैफले कंपनी के है। हम आपको पूरा प्रोसेस लगा के दिखाएंगे, बहुत ही ईजी है इसको लगाना। ये यूनिटेक, ये हैवेल कंपनी की यूनिटेक है। ये बॉक्स है बिलम की, इसको हम लगा के दिखाएंगे। इसमें हमारी ये चैनर पूरा सेट है इसका, रोड वगैरह जो साथ में आती है इसके। ये इसकी चैनर है और ये कई कलर में आती है, ग्रे कलर में भी आती है, वाइट भी होती है। बिलम कंपनी, इसको हम इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको लगा के दिखाते हैं। बिल्कुल ये मार्किंग की सीज से गुनिया से निशान लगा रखा था हमने। एक टिक यहाँ लगी और एक टिक पीछे साइड में लगी है। ये ड्रिल मशीन में हमने कोरबिट लगा रखा है पत्थर में सुराख करने के लिए। हम इसमें यहाँ छेद करके दिखाते हैं आपको। ये दोनों छेद लग चुके हैं, ये भी लग चुका है वाला, और बैक साइड में यहाँ भी लगा दिया हमने। ये पेंच है मेल फीमेल, ये बिना गिट्टी हुए लग जाते हैं, बिना गिट्टी के। उससे ये इस साइड से चलता है और दूसरा इस साइड से लग सकता है। इसमें हम तो आपको लगा के दिखाते हैं चैनर में। ये हमने पेंच लगाया है इस साइड से, आपको बताया था मेल फीमेल के बारे में। ये इधर की तरफ से पेचकस लगा के और इस साइड में पेचकस। ये इसके पीछे की पत्ती है, ये लोक है, इस लोक में लगी हुई है। हमने चैनल लगा दी थी, फिर चैनल में डाल के दिखाते हैं आपको। इसका ये साइज है 25 इंची एक सूत है। आप इसे आधा सूत छोटी काटना, क्या होता है ये जो पेंच लगाए हमने मेल फीमेल, ये इसमें टकराएगी नहीं, खींच के रखेगी प्लेयर अपनी तरफ ही। अगर आप पूरी पूरी काट दोगे तो यहाँ इसमें निशान आ जाएंगे इस साइड में। ये हमने 15 mm की प्लाई है, इसकी दोनों तरफ इसकी माइका लगा रखी है। आगे से ये आगे से फेस करके ये आधा इंच के स्क्रू ये लगाएंगे इसमें। ये हमारी प्लाई लग चुकी है, अब इसकी हम बैक दिखाते हैं आपको। बैक की साइड में काटनी है। प्लाई लगाने के बाद ये साइड बिल्कुल सीधी रख के इससे साइज ले लेना है आपको। ये पूरी प्रॉपर काटनी है एकदम, जैसे हमारे 26 इंची 450 उतारा है इसका साइज, और इसकी हाइट सेम ये काटनी है आपको 7 इंची 2 फीट जितनी इसकी हाइट है। ये देखो इसकी बैग 18 mm में है पीछे की,
इसकी बैग 18 mm है, इसकी बैग 18 mm है, तली 15 mm है, और इससे नीचे की बैग प्लाई जो होती है ये 2 सूत या 1.5 सूत फालतू बना देती है, काट लेनी है इसकी। ये इसका ब्रेकेट है, ये आपको इसके अंदर लगा के ये लगा लोग इसका, और आपको अब इसकी मार्किंग करनी है। अब आपको इसको ऐसे नाप लेना है कितना आपको माथा रहा है, इसके हिसाब से जितना भी आपको ग्रुप देना है 2 सूत का दोनों तरफ इधर भी उसके हिसाब से आपको प्लाई काट लेना है इसका माथा जो फ्रंट लगता है। अब आपको इसको इस साइड में, जब हम 2 सूत का ग्रुप दे रहा है साइड में इसकी, तो हम इसकी मार्किंग करते हैं इधर की तरफ से। ये 1 इंची आया है, ये बिल्कुल ये है ना इसका, ये 20 सेंटर इसका 1 इंची आया है बिल्कुल, यहाँ ये देखो 1 इंची। अब इस साइड में इधर पूरा इधर ही रख के बिल्कुल ग्रुप से अपना इंची टेप ऐसा नाप लेना है, इधर 29 इंची 2 सूत आया है, हम इसकी मार्किंग करते हैं। 1 इंची इधर हो गया और 29 इंची 2 सूत ही हो गया, ठीक है। आपको 12 इंची गुनिया से मार्किंग कर लेनी है इधर एक इस साइड में। अब आपको इसके नीचे के हिसाब से इसे मार्किंग करनी है। हमने 2 सूत का ग्रुप चारों तरफ लेके चलना है इसका। ये हमारा आया है इधर 2 इंची इस पर आया है और 3/4 ये है, मतलब कि इसके और इसके बीच में 1/4 इंची का फर्क है इसमें, जो 2 इंची का हम इधर लगाएंगे निशान ये, और इससे 1/4 इंच इसको ऊपर से लगा देंगे। और ये हमारी मार्किंग हो गई है, ये 2 इंच हो गया, 3/4 दुनिया से निशान लगाने थोड़े से। ये बिट है 10 नंबर का, त्रिशूल बिट है 10 नंबर का, ये इसके अंदर ये इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, ये इसके हिसाब से 10 नंबर का बिट बिल्कुल ठीक है। अब हम आपको छेद लगा के दिखाते हैं, ये हमने दोनों साइड के छेद लगा दिए, इस इधर भी और इधर भी। ये इसका ब्रेकेट निकाला है हमने इसके अंदर से ही। अब इसको कि ये कैसे ठुकता है, इसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये इसमें फोल्ड होता है ये ऐसे, क्योंकि ये इसमें से तो निकलेगा नहीं, ये फिक्स है। इसे यहाँ निकाल के इस पर हथौड़ी की चोट लग जाएगी हल्की सी ऐसे। अब ये ऐसे सीधा हो जाएगा इस साइड से। अब ये दोनों लग चुके हैं, ये देखो आप, ये रोड लगा के रोड कैसे लगती है, ये इधर से पहले रोड डाल के देख लो आप, ये इसकी साइड में डालनी है, इसे थोड़ी सी दबा के साइड से ये बाहर निकल जाएगी। ये लो होता है इसका, ये पुश वाला, ये ऊपर की तरफ लगता है, ये ऊपर है 4 इंच 3 इंची 6 सूत ये है, तो
तीन इंची छः सूत ये करना पड़ेगा आपको इधर, ये आ गया। तो इसके यहाँ से आपको ये इसकी टिक लगा लेनी है, यहाँ ये लग जाएगी यहाँ टिक इसकी सीट में। और जो हमने गुनिया से आपको बताया था इसका निशान लगाने के लिए, ये बिल्कुल गुनिया पे लगाना है, ये बिल्कुल यहीं आ जाएगा बिल्कुल सेंटर पे पूरा निशान लगाने पे। अब हम आपको इसके छेद मार के दिखाते हैं, इसके आया था 4.5 इंची, 4.5 इंची निशान ये इधर लग चुका है, 4.5 इंची है। और ये हल्की सी टिक लगा लेनी है हल्की सी, हम निशान पे ऐसे फूल वाला इस चीज़ में छेद लगा लेना। इस पर हमने टेप लगा रखा है जो तो पार नहीं हुए, कितना अंदर जाना है। अब हम आपको रोड दिखाते हैं कैसे लगती है। ये सीधी है जब ये इस साइड में फोल्ड हो जाएगी ऐसे ही, हम फोल्ड रख के इसमें यहाँ इस पर हथौड़ी और ऐसे सीधी कर देंगे ऐसे, इसका लोड लगता है। अब ये रोड सीधी हो चुकी है हमारी, अब इसके अंदर यहाँ इसमें लोक लग जाएगा, ये लग चुका है इसका लोक इस साइड का। अब ये दोनों साइड की रोड लग चुकी है, इधर भी जिसका कवर है जी, हम इसको डाल के दिखाते हैं। ये रोड के कवर है, इसको हम मिला देंगे बिल्कुल। ये लग के फाइनल हो चुकी है, अब हम आपको डाल के दिखाएंगे। इसको लगाना बहुत ईजी है, ये सॉफ्ट क्लोज है और बहुत ही अच्छी चलती है। इसी तरह से आपको सब लगाने हैं, ये माथे जो लगाए हमने इसे प्लाई का यूज़ किया है, आप चाहे तो नीचे का बोर्ड भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लगाने हैं। ये हमारे माथे सब लग चुके हैं दोस्तों, हमारी सारी बास्केट फाइनल हो चुकी है। माइका लगा के हमने एक्रेलिक माइका लगाई है, ये और हैंडल जो लगाए हैं इसमें प्रोफाइल वाले पूरे लंबे हैंडल लगाए हैं, ये लग के फाइनल है और बहुत ही सॉफ्ट अच्छी चलती है सॉफ्ट क्लोज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी शेयर करें, लाइक करें। इसको हम निकाल के दिखाएंगे, इसको ऊपर उठा के निकल जाती है, और अगर हम रखनी होती है ऊपर से रख दो इसका लोक लग जाएगा। इसको निकालना और लगाना भी बहुत आसान है, इसको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से लगानी है आपको, ये हमने प्रोफाइल वाले हैंडल लगाए हैं।